ओके, सिक्स्थ न्यूमेरिकल करते हैं। एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 81। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। डन, सही है ना? हाँ, चलो तो करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। डन, ओके। चल, एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x2। वेरी गुड, 3x2। एन एक्स रेस टू एन माइनस वन तो 3x2। यस, अब यहाँ पे वापस यू इंटू वी लग जाएगा, सो हम लगाते हैं यू इंटू वी से एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाई का डिफरेंशिएशन डीवाइड बाई डी एक्स, डायरेक्ट कर दिया, ओके, प्लस वाई कॉन्स्टेंट, ओके, वाई कॉन्स्टेंट, अभी यहाँ भी डायरेक्ट कर दे क्या, वाई कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, ओके, तो डायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्ट स्टेप है, समझ में आया? यस। यू इंटू वी, यू कॉन्स्टेंट तो एक्स स्क्वायर को कॉन्स्टेंट रखा, v का डिफरेंशिएशन तो dy / dx, फिर v कांस्टेंट तो y कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके, फिर ये होल स्क्वायर है क्या? नहीं, देखा गलती हो गई नहीं? अभी गलती हो जाती। हाँ, तो क्या था, अरे कहाँ गया, x y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है। डन, ये नीचे का लिखने में गलती कर दी, यहाँ तो सही लिखा है, ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यू इन टू वी, सो एक्स कॉन्स्टेंट, देखो अब थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, एक्स कॉन्स्टेंट, चलो कोई बात नहीं, एक्स कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, बहुत कंजस्टेड ना हो जाए इसलिए, x कांस्टेंट y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन, तो dx / dx को 1 आ जाएगा, ओके, तो उसको कुछ कर नहीं रहे, ओके, y स्क्वायर कांस्टेंट dx / dx क्या आ जाएगा, 1, ओके, प्लस यहां x होता तो x क्यूब का क्या होता, 3x2, सो 3y स्क्वायर, लेकिन y है तो हम यहां क्या करेंगे, dy / dx दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का तो क्या होगा, 0, तो 81 का 0 हो जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, 3x² प्लस x² dy / dx प्लस 2xy, सब कुछ जैसा है वैसा ही, यहां पे करेंगे तो क्या आएगा, x तो है ही बाहर, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर वापस y का करना पड़ेगा, हाँ, तो dy / y स्क्वायर का 2y, करेक्ट, हाँ, प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy / dx दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके, अरे चिराग आ जाता है ना 2 बजे, हमने पहले रखते थे ना 2 बजे, तो मैसेज भी किया था, ओके किया था ना, क्योंकि 11th वाले नहीं छूटते, 12th में तो छोड़ देते हैं सर, आपने जब 1 बजे का मैसेज भेजा था ना, तब उसने ओके किया, 1 बजे, हाँ 1 बजे का मैसेज भेजा था आपने, मैंने पहले 1 बजे बोला था, हाँ फिर 2 बजे बोला, हाँ ओके, उसने ओके बोला है, ठीक है, ओके, चलो, सो 3x² ये सब कुछ हो गया, अब क्या करें, कॉन्स्टेंट डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, पहले तो यहां से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर इसमें से, फिर दूसरा कहाँ है, यहाँ है, उसमें से भी डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 2xy,
फिर यहाँ से भी dy by dx कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 3y square, done? That is equals to, बाकी जो भी बचा है वो सब कुछ दूसरी साइड ले जाते हैं, so 3x square उधर गया तो minus 3x square, 2x square उधर गया तो minus 2xy, ये हो जाएगा minus y square, done? Yes. Okay. So answer is dy by dx that is equals to minus of 3x square minus 2xy minus y square whole divided by x square plus 2xy plus 3y square. तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो सेम करने के लिए, 3y square plus 2xy plus x ऊपर जैसे करना हो तो, अदरवाइज तो चलेगा. Done? Yes.